केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मिशन बंगाल पर हैं। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा एसिड अटैक होते हैं। अमित शाह ने कहा, हमारा लक्ष्य स्पष्ट है कि बंगाल का विकास हो, देश की सीमाएं सुरक्षित हो, बंगाल के अंदर घुसपैठ रुके। आज शायद बंगाल राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या में देश में सबसे ऊपर है। विगत 2.5 साल के अंदर जनता पार्टी के 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। मैं बंगाल के मुख्यमंत्री को कहना चाहती हूं कि आप इस पर एक व्हाइट पेपर निकालना चाहेगी क्या? स्थिति को स्पष्ट करना चाहेगी क्या? कितने राजनीतिक कार्यकर्ता, चाहे वो भाजपा के हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, या तो RTI एक्टिविस्ट हो, कितने लोगों की हत्या हुई? FIR रजिस्टर होने के बाद कितने लोगों को अरेस्ट किया गया? कितने लोगों को चलान करे गए और कितने लोगों को सजा करा पाए? आपको आश्चर्य होगा, अधिकांश केसों के अंदर अरेस्ट ही नहीं हुई, चार्जशीट ही नहीं हुई। इस प्रकार का शासन बंगाल का भला नहीं कर सकता। घुसपैठ बेरोक टोक चल रही है। जिस देश की, जिस राज्य की सीमाएं सुरक्षित न हो, वो राज्य में विकास कोई मायने नहीं रखता है। अमित शाह ने कहा कि मैं बंगाल के लोगों को भरोसा दिलाने आया हूँ कि 5 साल में सोनार बंगला बनाने का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोगों ने कांग्रेस, वाम दलों और TMC को मौका दिया है। उन्होंने कहा, ममता बनर्जी का एक ही लक्ष्य है कि वो अगली सरकार में अपने भतीजे को CM बना दे। अब बंगाल की जनता को तय करना है कि उन्हें परिवारवाद चाहिए या विकासवाद चाहिए। बंगाल की जनता को आश्वस्त करने आया हूं कि आपने कांग्रेस को भी एक मौका दिया, कम्युनिस्टों को भी मौके बार बार दिए और 2 बार ममता दीदी को भी दिया। एक मौका मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को बना दीजिए, दे दीजिए। हम 5 साल में सोनार बांग्ला बनाने का आपको वादा करते हैं। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, बंगाल के अंदर विकास हो, देश की सीमाएं सुरक्षित हो, बंगाल के अंदर घुसपैठ रुके। तृणमूल कांग्रेस का एकमात्र लक्ष्य है, दीदी का एकमात्र लक्ष्य है कि अगली टर्म में भतीजे को मुख्यमंत्री बना दे। अब बंगाल की जनता को तय करना है कि परिवारवाद चाहिए या विकासवाद चाहिए। बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए अमित शाह ने अपने कार्यकर्ताओं के सामने 294 सीटों में से 200 सीटें जीतने का टारगेट रखा है। अमित शाह ने बांकुरा दौरे पर पार्टी मीटिंग के दौरान करीब 250 कार्यकर्ताओं से कहा, जोश से नहीं, होश से काम करो। इस बार मुस्कुराने का टाइम मेरा है। 200 से ज्यादा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी यहां सरकार बनाने जा रही है और यहां पर तृणमूल का शासन समाप्त होने जा रहा है। ये बंगाल की जनता का मिजाज है, मोदी जी के प्रति बंगाल की जनता का विश्वास है और मोदी जी को बंगाल की जनता का आशीर्वाद है। जिस जनता ने लोकसभा में इतना अच्छा प्रतिसाद दिया है, वो जनता बंगाल के भले के लिए भी हमें जरूर एक मौका देगी, इसका मेरा भरोसा है। मैं फिर से बंगाल की जनता को करबद्ध निवेदन करने आया हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी को एक मौका दीजिए। नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बंगाल के चुनाव को बहुत गंभीरता से ले रही है, क्योंकि इसके साथ देश की सुरक्षा भी जुड़ी हुई है और देश का एक अति पिछड़ा गरीब जनता के भले का भी सवाल है। तो दोनों मुद्दों को लेकर हम बंगाल की जनता के बीच में भी जाएंगे और परिवर्तन तक इसको ले जाएंगे, इसका मुझे भरोसा है।